हाँ जी गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस जी, अपनी डॉक्टर इनसाइड एकेडमी पे करियर कॉर्नर की सीरीज चल रही है, तो जिसके अंदर आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर अपन ये डिस्कस किया था कि पैरामेडिकल होता क्या है, उसका क्या रोल होता है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। देन अभी आप डिस्कस करेंगे कि इस पैरामेडिकल फील्ड के अंदर आने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स करने आपके लिए कंपलसरी होंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। अगर इन कोर्सेज की बात की जाए पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे? आपके अकेडमिक्स पे डिपेंड करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर वन फैक्टर। एंड दूसरा, आप किस लेवल का आप डिग्री करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, मास्टर्स करो, मीन्स कितने टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट करो, 6 मंथ से लेकर आप 4 साल तक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इन दोनों को मिला के फिर आपका सिलेक्शन होगा आपके कोर्स के अंदर। तो यहाँ देखो गाइज, नंबर वन पे आएगा सर्टिफिकेट कोर्स। ये सर्टिफिकेट कोर्स का अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो 6 मंथ टू 2 ईयर का देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट कोर्स पे आपकी 10th होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 50-60% कोई हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई जिस भी आप सेंटर से हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपका होना कंपलसरी है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जब सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर इनरोल हो रहे तो ये कोर्सेज की ड्यूरेशन रहेगी 6 टू 2 ईयर की, और साथ में 10th आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, साथ में 55-60% की एवरेज होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर बात की जाए तो बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, जैसे रेडियोलॉजी असिस्टेंट का हो गया, कार्डियक असिस्टेंट हो गया, कैथ लैब असिस्टेंट हो गया, कार्डियक कैथ लैब, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स अगर इन सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो सबसे नंबर वन सर्टिफिकेट आएगा रेडियोलॉजी असिस्टेंट सर्टिफिकेट, सेकंड होगा आपका रूरल हेल्थ केयर असिस्टेंट, थर्ड हो सकता है आपका MRI असिस्टेंट, डायलिसिस असिस्टेंट्स, या फिर डेंटल असिस्टेंट्स, डायबिटिक असिस्टेंट्स। इस तरह बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट पर जाकर देखोगे ना, तो वेबसाइट पर आई थिंक मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ मेरे बहुत सारे कोर्सेज बता रखे हैं, उन कोर्स की पूरा आपको एंड अप वहाँ आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो आप उस आर्टिकल से आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता लगेगा। फर्स्ट वन हो गया अपना सर्टिफिकेट कोर्सेज, सेकंड वन आएगा डिप्लोमा कोर्सेज। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स के मैंने बताए थे आपको, रेडियोलॉजी का बताया था, OTAT का बताया था, डायलिसिस का बताया, MLT में लैब में भी ये कोर्सेज होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। मीन सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा में डिफरेंस ये रहेगा उनके अकेडमिक्स लेवल का, उनके अंदर नॉलेज का डिफरेंस रहेगा, तो इसके अंदर थोड़े से सिलेबस को एक्सटेंड किया जाए तो ये अपना डिप्लोमा कोर्स बन जाएगा। और डिप्लोमा का मिनिमम क्राइटेरिया होगा आपका 2 टू 3 ईयर। मीन सर्टिफिकेट आपको 6 मंथ से 2 ईयर तक देखने को मिलेंगे, और डिप्लोमा आपको 2 से 3 साल का गैप देखने को मिलेगा। गैप मींस इसका ये पूरा कवरेज होगा, 2 साल की आपकी स्टडी होगी, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, या 6 मंथ की इंटर्नशिप आप अगर वोकेशनल कर रहे हो तो वोकेशनल का आपके साथ के साथ इंटर्नशिप लगती है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा। जिस टाइम आप वोकेशनल की सीरीज लेके आएंगे ना, तो उसके अंदर वोकेशनल इनको सबको कंपेयर भी करेंगे। देन इस डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 10th, और अगर 12th हो तो भी आप 12th इन कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हो। और साथ ही साथ में आपके परसेंटेज होनी चाहिए 55-60, पैरामेडिकल के मोस्ट ऑफ जो कोर्स है उसके अंदर 55-60% के होना आपका कंपलसरी रहेगा। ये तो भाई इस डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होंगे, जैसे डिप्लोमा इन RIT रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, OTAT के अंदर हो गया, MLT के अंदर हो गया, डायलिसिस के अंदर हो गया, जो जितने आपने सर्टिफिकेशन बताए थे मैंने 4-5, सेम उनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो डिप्लोमा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उन्हीं डिप्लोमा को अगर थोड़ा सा अगर 1 ईयर और एड किया जाए तो ये क्या होगा भाई, 3 ईयर का हो जाएगा ना, और 1 साल की इसकी इंटर्नशिप होगी। आप जिस कोर्स को करो अगर वोकेशनल का हो तो 3 साल की आपकी इंटर्नशिप साथ रहेगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री कोर्सेज में। थर्ड वन अपना कौन सा आ जाएगा यहाँ, डिग्री कोर्सेज। तो वही है देखो गाइज, डिग्री कोर्सेज के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है 12th क्लास, PCB आप प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप PCM के हो तो। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको अलो करता है तो आप उनका जो क्राइटेरिया होगा, अगर उनके नॉर्म्स के अंदर मैथ वाले स्टूडेंट है तो वो इन कोर्सेज के अंदर इनरोल कर सकते हैं। अगर जैसे कोर्सेज की बात की जाए तो हो गया BSc RIT रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc MLT, BSc OTAT, BSc कार्डियक लैब असिस्टेंट हो गया, डायलिसिस के में अंदर बैचलर्स हो जाएगी, इसी तरह फिर BSc ऑडियोलॉजी, BSc डायलिसिस, इस तरह बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो आप उनके अंदर इनरोल हो सकते हो। आपकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 12th पास बायो के साथ आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, 55-60 की एवरेज मिनिमम। अगर आपके पास इतने मार्क्स है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा प्राइवेट के अंदर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, मास्टर्स कोर्सेज। डिग्री के बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहेगी उसको मास्टर्स करनी, तो डिग्री इन मास्टर्स कोर्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रहेगी आपकी BSc होनी चाहिए, BSc इन रेलिवेंट स्ट्रीम। मीन्स आप जिस स्ट्रीम से मास्टर करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ नाम लिया था MLT का, तो MLT में आप मास्टर्स कर सकते हो। उसके बाद क्या था, नर्सिंग होम की सीरीज होगी, तो नर्सिंग होम की सीरीज के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके अंदर मास्टर्स कर सकते हो। जैसे RIT के अंदर आप मास्टर्स कर सकते हो, जैसे VWOC की सीरीज होगी ना, तो VWOC के अंदर फिर MWOC हो जाएगी बैचलर, या फिर मास्टर्स इन वोकेशनल, बैचलर इन वोकेशनल। VWOC MWOC की अलग से सीरीज आएगी, तो उनके अंदर इनको आप जानेंगे। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ताकि इस तरह से पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको।
देन अगर बात की जाए तो मास्टर्स कोर्स तो आपको देखने को मिलेंगे MRIT, उसके बाद MLT, मैंने यहाँ ये बता दिया गाइज। तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या होनी चाहिए, बैचलर होनी चाहिए, और बैचलर के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट इसके अंदर कवरअप होगा। मे भी आपकी थीसिस हो सकती है, तो आपसे बैचलर के अंदर आपका थीसिस या प्रोजेक्ट जो भी होगा, तो ये चीज़ आपका होना कंपलसरी है। वहीं अगर इन मास्टर्स के बाद इन कोर्स को आप एक्सटेंड करते हो तो आप PhD भी कर सकते हो इन कोर्सेज के अंदर, और PhD में फिर आपकी एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा और आपकी इंटर्नशिप वगैरह को इंक्लूड करके फिर आपकी पूरी डिग्री को तैयार किया जाएगा। देखिए गाइस, चार तो ये मेन ब्रांच होगी और फिफ्थ वन होगा आपका PhD, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो। मोस्ट प्रोबेबली तो इन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर तो इनका एडमिशन हो जाता है इन कोर्सेज में, किसी भी स्टूडेंट का। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर गवर्नमेंट वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हो, दिल्ली एम्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपको इंट्रेंस होगा। तो एक बार अब जिस भी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो वहां इंट्रेंस की आपको डिटेल वहां मिल जाएगी, और बहुत जल्द अपने ही वेबसाइट पे ये बोर्ड अपडेट कर दिया जाएगा, तो उस पे ये सारी आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगी। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, चार टाइप के कोर्सेज होंगे, सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी एंड मास्टर्स होगी। और कोई इसको अगर लगता है कि वो एकेडमिक्स में और आगे करना चाहता है तो फिर उसमें PhD भी परफॉर्म कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो हॉस्पिटल वगैरह में रहेगा बेटर, तो अगर उसका इंटरेस्ट फील्ड में है तो उसके लिए वो डिग्री बाद स्टॉप कर सकता है। डिग्री के बाद उसको आगे मास्टर्स वगैरह करने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री की बेस पे उसको एक अच्छा पैकेज आराम से मिल जाएगा अगर अच्छी से उसकी नॉलेज होगी तो। अगर तो आज की वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स। और हां गाइस, अगर आपको ये चाहिए कि ये कोर्सेज कौन-कौन से होंगे, आपके लाइक कौन से कोर्सेज है, तो ये सारी चीजें मैंने वेबसाइट पे अपडेट कर रखी है, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे ना, टॉप टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज डॉक्टर इनसाइड एकेडमी, तो अपनी वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे जाके इनको आप चेक कर सकते हो। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जाकर डॉक्टर इनसाइड एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब देखने को मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, थर्ड पे फिर आपको अपना इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, साथ में लिंक्डइन।